आपको व्यूअर्स, मेरा नाम फरहत अनवर, मेरा ताल्लुक आईबीएम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खैरपुर से है। आपके लिए डेली बेसिस पे नए नए वीडियो अपलोड्स करते रहते हैं। पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात चल रही थी। आज की वीडियो का टॉपिक है रेफ्रिजरेंट के मुताबिक बात करेंगे। रेफ्रिजरेंट है क्या, वो आपको समझाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करेंगे और फिर रेफ्रिजरेशन साइकिल से रिलेटेड भी कुछ बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं बोर्ड की जाने। बोर्ड से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, जो चीज़ समझ ना आया करे वो अपने कमेंट्स में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि फिर वो नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन या उसका जवाब आपको दे सकें। ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं। जैसे कि टॉपिक की वीडियो का आज का हमारा रेफ्रिजरेंट और उसकी खसूसियात। अब यहाँ पर ये देखिए, रेफ्रिजरेंट उसकी खसूसियात यहाँ पर ये कह रहा है कि रेफ्रिजरेंट यानी गैस। रेफ्रिजरेंट बेसिकली है क्या, गैस है। कौन सी गैस, रेफ्रिजरेंट यानी गैस जो बुखारात या माया हालत में रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। तो रेफ्रिजरेंट माया यानी कि लिक्विड और गैस की हालत यानी वेपर्स, तो वेपर्स या लिक्विड की हालत में रेफ्रिजरेशन निज़ाम में या एयर कंडीशन निज़ाम में इस्तेमाल होते हैं, वो तमाम गैसेस रेफ्रिजरेंट कहलाती हैं। आगे ये बताने लगे हैं आपको, इनको रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। क्लियर हो गया आज रेफ्रिजरेंट, क्योंकि रेफ्रिजरेशन अलग चीज़ है। एक वो सिस्टम है जहाँ पर हम खाने पीने की अशिया को स्टोर करते हैं, एयर कंडीशनिंग एक अलग सिस्टम है, पर बेसिक साइज स्केल के कंपोनेंट्स इनके वही होंगे। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये माया से गैस की हालत में तब्दीली के दौरान एवापोरेटर भी आपको बताया था, मजीद में रेफ्रिजरेशन साइकिल को थोड़ा सा आपको और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, माया से गैस की हालत में अभी तब्दील हो रहा है, लिक्विड से वेपर्स की तरफ जा रहा है, तो तब्दीली के दौरान क्या कर रहा है कि एवापोरेटर में से हीट को जज्ब करता है, और जब सब्सटेंस देखिए जो गैस असर हालत से माया की हालत में दोबारा तब्दील हो रहा होता है तो ये कंडेंसर में अपनी हीट खारिज करता है। अब ये जब एवोपरेटर में तब्दीली आ रही है इसकी, लिक्विड से फिर वेपर्स की कंडीशन में दाखिल हो रहा है, इस तरह हालत तब्दील करता है, तो कंडेंसर में जो हीट उसने एवोपरेटर से जब्स की है वो कंडेंसर में अपनी हीट एग्जॉस्ट करता है। मैंने पहले भी बताता था कंडेंसर कहाँ पर है, आपको यकीन क्लियर हो गया होगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। रेफ्रिजरेटर में हमारे बैक साइड पर ब्लैक कलर की जाली लगी होती है, पाइप्स लगे थे, वो कंडेंसर होते हैं। इसी तरह हमारे एयर कंडीशन स्प्लिट एयर कंडीशन यूनिट में जो बाहर की साइड पर आउटडोर यूनिट होता है उसमें कंडेंसर होता है। आपने नोट किया होगा वहाँ से हीट का गर्माइश का इखराज हो रहा होता है अगर सिस्टम में गैस मौजूद है। किसी वजह से रेफ्रिजरेंट उसमें नहीं होगी तो वहाँ से आप देखिएगा हीट का इखराज नहीं हो रहा होगा। यही यहाँ पर ये क्लियर कर रहा है, मैं मजीद साहब आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये कंडेंसर में अपनी हीट को खारिज करता है। रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेशन साइकिल के मैकेनिज्म सिस्टम में इस्तेमाल होता है। मैकेनिज्म सिस्टम क्या हो गया, रेफ्रिजरेशन का जो भी सिस्टम है उसमें एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, डिवाइसेस वगैरह लगी होती हैं उनको ऑपरेट कर, और एक मैकेनिकल सिस्टम होता है जिसमें हमारा कंप्रेसर है, कंडेंसर है, एक्सपेंशन डिवाइस है, एवोपरेटर हो गया, ये उसका मैकेनिज्म हो गया, उसमें रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल हो जाती है। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी किसी वजह से कि रेफ्रिजरेंट हमारी मौजूद है पर सिस्टम कूलिंग नहीं कर रहा या प्रेशर का फर्क हो गया, तो फिर वो इश्यूज होते हैं, वो फॉल्ट्स होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। अभी आपको हम ये बेसिक चीज़ें समझा रहे हैं, इसको आप समझने की कोशिश करें और इसमें जो भी कन्फ्यूजन हुआ करें हमसे पूछ दिया करें, हम कोशिश करेंगे अपनी नई वीडियोस में उनको आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा एक छोटा सा मॉडल पड़ा है सिमुलेटर, उस पर पहले भी आपने देखा है, उस पर थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं कि दोबारा रिपीट करा देता हूँ। कंप्रेसर, ठीक है, ये क्या हो गया, रेफ्रिजरेशन का मैकेनिज्म सिस्टम हो गया, बेसिक रेफ्रिजरेशन का। ठीक है, कंप्रेसर आ गया, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस, एवापोरेटर। अब इन्होंने इधर बात की कि जब अपनी हालत में तब्दील करता है तो वो हीट जहाँ से जस्ट कर रहा है वो एवापोरेटर है। ठीक है, कंप्रेसर ने प्रेशर को इंक्रीज किया, उसको वेपर्स का प्रेशर बढ़ाया गया इसका, कंडेंसर ने उसको लिक्विड हालत में तब्दील कर दिया, जो वो बुखारात की सूरत में रेफ्रिजरेंट थी उसको इसने लिक्विड की हालत में तब्दील कर दिया। अब जब लास्ट में
रेफ्रिजरेंट इधर पहुंच जाती है, ये लिक्विड लाइट कराती है, इधर टोटली गैस जो है ना लिक्विड हालत में मौजूद है, एक्सपेंशन डिवाइस से प्रेशर रिड्यूस होके वो लिक्विड जब इसमें दाखिल होता है तो इसमें एक मखसूस उसको टेम्परेचर मिलता है, जहाँ जो पिछली वीडियो में हम मतलूबा टेम्परेचर की बात कर रहे थे, तो यहाँ लिक्विड आहिस्ता आहिस्ता हीट जस्ट भर के वेपर्स में तब्दील होना शुरू हो जाता है और फिर कंप्रेसर में जाती है रेफ्रिजरेंट। कंप्रेसर में जाने के बाद फिर वो उसको प्रेस करता है, फिर वो जो यहाँ से हीट जस्ट की होती है वो कंडेंसर में जाके खराज हो रही होती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आइंदा वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।